हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल नॉलेज सिर्फ आज हम इस वीडियो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इलेवेंथ एन के सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे इसमें टोटल ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें एनसीआर के ऑलमोस्ट सभी लाइनों को कवर किया गया इन्हीं क्वेश्चन के अंदर तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना स्किप मत करना क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें इन विच ईयर विटाकर प्रपोज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑप्शन है नाइनटीन सिक्सटी नाइनटीन फिफ्टी नाइन नाइनटीन सिक्सटी नाइन नाइनटीन सेवेंटी नाइन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1969 सिक्सटी नाइन में विटाकर ने फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अर्लियर क्लासिफिकेशन लाइक टू किंगडम्स द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द प्लांट्स ऑप्शन ए बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी फंगस बी मॉस एंड फॉर्न जिम्नोस्पर्म एंड हम तो इनमें से कौन कौन से जो थे वो प्लांट किंगडम में पहले की के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आते थे ओनली ए बी एंड सी सी ऑल ऑफ दिस तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दिस पहले की के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये सभी जो थे वो प्लांट किंगडम में आते थे जबकि अब जो है बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा के किंगडम में आ गया है और ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया और फंगस जो है फंगाई किंगडम में आ गया है इसके अलावा ये दोनों जो हैं वो प्लांट किंगडम में आ गए हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज कॉमन वट इज़ कॉमन टू बैक्टीरिया फंगस एंड मॉसेस इनमें क्या कॉमन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल ऑटोट्रॉफिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन सभी में सेल वॉल प्रेजेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है किंगडम प्रोटिस्टा कंटेंस ब्लू ग्रीन एल्गी फंग यूनिसेलो यू यू ऑल ऑफ दीज तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनील्यर यूनिसेल्यूलर सेलुलर यू कैरियाट्स क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो मनेरा किंगडम में आता है फंगाई तो अपना खुद ही अलग किंगडम है तो किंगडम का जो प्रोटिस्टा uh, का जो कैरेक्टरस्टिक्स है वो यूनिसेल्यूलर सेलुलर यू कैरियाट्स होते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन करेक्ट अबाउट बैक्टीरिया इसमें से बैक्टीरिया के बारे में बताना कौन सा रॉन्ग है इट इज़ ग्रुप्ड अंडर फाइव कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ शेप तो हमारा फैला ही पॉइंट गलत है क्योंकि फोर कैटेगरी में ही होता है इट कैन लिव इन हॉट स्प्रिंग डी पोशन स्नो एंड डिजर्ट एरिया हाँ तो ये सही है ये किसी भी आ, किसी भी सिचुएशन में रह सकते हैं इट कैन लिव एज ए पैरासाइट ये भी सही है एंड इट इज़ कम्पोज ऑफ सिंपल बिहेवियर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो ये गलत है जबकि इनका जो बिहेवियर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और स्ट्रक्चर सिंपल होता है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ए एंड डी नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पेशलाइज सेल ऑफ नॉस्टॉक एंड एना बेना फिक्स नाइट्रोजन आर नोन एज सिस्ट हेट्रोसिस्ट ओ सिस्ट कॉलियोसिस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेट्रोसिस्ट मैंने इसका डायग्राम दे रखा है यहाँ पे एक एरा ये एन सी आर टी की डाइग्राम ये हेट्रोसिस्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म लिविंग इन एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज आर कॉल्ड मिथेनोजेंस हेलोफाइल्स हेलियोफाइट्स थर्मो एसिडोफिल्स तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेलियोफाइल्स देखो मिथोनोजेंस जो होते हैं वो मार्शी एरियाज में रहते हैं जबकि हेलियोफाइट्स जो होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक्सट्रीम सनलाइट जहाँ पे सनलाइट की इंटे, इंटे, इंटेंसिटी जो होती है वो एक्सट्रीम होती है ऐसी जगह पे रहते हैं तो वो होते हैं हेलियोफाइट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन सार यूगलियोनाइट्स टाइनोफ्लैज ब्रूगनी एल्गी क्राइसोफाइट्स तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्राइसोफाइट्स क्राइसोफाइट्स में दो आ जाते हैं डायटम्स एंड गोल्डन एलगी जिसे डेस्मिट्स कहते हैं तो डायटम्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं चीफ प्रोड्यूसर आई मीन चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशंस में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड टाइड इज़ बिकॉज ऑफ रेड टाइड किन की वजह से होता है तो डेस्मिट्स गोनियोलेक्स यूगलिना रेड एलगी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोनियोलेक्स जो कि एक रेड डायनोफ्लैजलेट है जिनके रैपिड डिवीजन की वजह से जो सी है जो ओशन है वो रेड अपीयर होने लगता है और ये एक तरह का टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो कि अच्छा नहीं होता है वो समुद्री जीव के दैट इज मराइन एनिमल इनके लिए फैटल होता है तो रेड डायनोफ्लैजेट्स जो होते हैं वो टाइड कॉज करते हैं रेड टाइड कॉज करते सी में नेक्स्ट क्वेश्चन है यूगलिना प्रोसेस ऑल एक्सेप्ट पेलिकल टू इक्वल फ्लैजिला टू अनिकवल फ्लैजिला मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी टू इक्वल फ्लाजुला ये गलत है क्योंकि यूगलिना के अंदर पैलिकल जो होता है वो प्रोटीन कोट होता है और टू इक्वल फ्लैजिला नहीं होता तो ये रॉन्ग ऑप्शन है मतलब आई मीन यही होगा इसका आंसर बट ये गलत होता है ये एक्सेप्शन है इसमें ये नहीं होता है टू अन एकवल फ्लैजिला होता है मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है इसके अलावा सेल्वोल ना होकर इसमें प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसे पैलिकल कहा जाता है जिससे फ्लैक्सीबिलिटी बनती है यूगलिना में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीपिंग सिकनेस इज कॉस्ड बाय फर्स्ट ऑप्शन है प्लास्मोडियम पैरामीशियम ट्रिपेनोजोमा एंटामीबा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रिपेनोजोमा जो कि सीसी फ्लाई के थ्रू होता है स्लीपिंग सिकनेस नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेल्थ क्वेश्चन नेकेड साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्टेड एंड सेप्रोफाइटिक स्पेसिफिकेशन आर द कैरेक्टिस्टिक्स ऑफ मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई स्लाइम मोल्ड तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्लाइम मोल्डी ये एक प्रोटिस्टा है जिसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कुछ फाइसेरम ट्यूबिफेरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग टू ए बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी सेलवल कंसिस्ट ऑफ काइटिन कॉस्मोपोलिटन ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे सिलेटेड स्लाइम मोल्ड फंगाई यूग्लिनोइ्स तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फंगाई के ये सब फीचर है जिनमें लॉन्ग स्लेंडर थर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे हाइफी कहते हैं सेलवोल जो होता है काइटिन का होता है और कॉस्मोपोलिटन होता है कहीं पर भी ये ग्रो कर सकते हैं उसके बाद ये एक्चुअली मोस्ट एरिया में ही ज़्यादातर करते हैं मोस्ट प्लेसेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हैबिटेट ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर एक्वाटिक डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस ऑब्लिकेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स ऑल ऑफ दीज तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस फाइकोमाइसिटीज जो है तो वो फंगाई का टाइप है फंगाई के चार टाइप होते हैं फाइकोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटिस एंड एंडिट्योमाइटिस माइसिटीज तो फाइकोमाइसिटीज जो होता है इनके ये हैबिटेट्स होते हैं ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगाई कंटेंस हेल्यूसिनोजन तो ऑप्शन दे रखे हमारे मॉर्चेला एस्किलेंटा एमनीटा मस्केरिया न्यूरोस्पोरा स्पीसीज यूजटीलेगोस स्पीसीज तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिफ्टीन का बी एमिटा मस्केरिया इसमें मॉर्चेला एस्लेंटा जो है वो एक एडिबल मशरूम है मशरूम है एंड एमनीटा मस्केरिया है तो ये तो इसका आंसर जो कि हेलोजिनेचर कंटेन करता है पॉइजनस होता है ये और न्यूरोस्पोरा जो होता है ये जेनेटिक वर्क में यूज होता है जो कि एस्कोमाइसिटीज़ है और यूसटीलाइो जो है वो एक बेसिडोमाइसिटीज़ है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूटोरामाइसिटीज आर नोन एज इन परफेक्ट फंगाई बिकॉज इन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है वो इन परफेक्ट फंगाई कहलाता है जबकि एस्कोमाइसिटीज़ जो होता है उसे सैक फंगाई कहते हैं तो इसका ऑप्शन दिया हुआ ओनली सेक्सुअल फेज इज फाउंड ओनली एसेक्चुअल और वेजिटेटिव फेज आर फाउंड बूथ ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस आर नोन रिप्रोडक्शन इन दिसाई इज एबसेंट तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ओनली अ और वेजिटेटिव आर नोन इसमें सेक्सुअल फेज नहीं पता होते हैं। एक तरह से इसे डस्टबिन फंगा, फंगाई, फंगाई भी कहा जाता हमार है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोजिनियसली प्रोड्यूस पोर्ट्स आर फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट मशरूम म्यूकर एलबीगो राइसोप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मशरूम मशरूम जो है वो बेसिडोमाइसिटिस का एग्जाम्पल हो जाएगा ये एंडोजिनसली होते हैं बाकी एक्सोजनसली होते हैं लाइक एस्कोमाइसिटीज हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेक्टिस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन जेमिनी वायरसेस प्रियॉन्स वायरोइड सैटेलाइट वायरसेस तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियन्स इन्फेक्टिस प्रोटीन्स होते हैं प्रियन्स जो होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं मेडकाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडियम वॉज प्रपोज बाय डी जे एनास्की एम डब्ल्यू बिजनिक स्टैनली रॉबर्ट हुक तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नाइनटीन का नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसोसिएशन बिटवीन माइक माइक्रोबायट एंड फाइक्रोबायट इज फाउंड इन माइकोराइज़र रूट लाइकन बीच ए मीन्स ब्लू ग्रीन एलगी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी लाइक थोड़ा वीडियो फास्ट बना रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ वीडियो लॉन्ग हो शॉर्ट ही वीडियो ताकि इसमें क्विक रिविजन में जल्दी जल्दी आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसमें तो बस यही है कि कम टाइम में अच्छे क्वेश्चन आप लोग कवर करें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल इज एबसेंट इन फ्यूनेरिया माइक्रोपा नॉ स्टॉक तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा माइक्रो प्लाज्मा जो होता है वो स्मॉलेस्ट सेल होता है स्मॉलेस्ट सेल होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्लाज्मा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस इन्फेक्ट प्लांट जनरली हैव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। दे इन्फेक्ट इनफेक्ट वायरस जो होते हैं इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को बाय सिंगल स्टैंडर्ड आर और एक और क्वेश्चन इसी के अंदर आ जाएगा कि वायरस विच इन्फेक्ट एनिमल्स जनरली आर तो हो जाएगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो जाते हैं द वायरस विच इन्फेक्ट एनिमल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सीन इन ऑल एक्सेप्ट फ्यूकस फेगनम इक्विसेटम अल्टरनेरिया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्टरनेरिया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन द मोलिकुलर वेट ऑफ आर एन एफ वायरॉइड्स इज हाई लो वेरी हाई एनी ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लो वायरोड्स जो होते हैं तो इनमें जो होता है प्रोटीन कोट नहीं होता है जबकि वायरसेस में प्रेजेंट होता है और वायराइड्स को 1971 में 1971 में टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आइडेंटिफाई करना है तीन डायग्राम दिया हुआ है ए बी सी तो बताना है ए डायग्राम कौन सा है? ये एन सी आर टी बेस्ड है डायग्राम भी हमारा पहला जो डायग्राम है ये म्यूकर का है क्योंकि ये जो है ये एगेरिकस है और ये एस्पर है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो मुझे बनानी नहीं थी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो सो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो और मैं सीरीज़ वाइज डालते जा रही हूँ सभी चैप्टर्स को इसमें तो स्टे ट्यून थैंक यू